स्टडी ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स 26 अक्टूबर 2023 की। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं आपको थोड़ा प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कि इंडिया की है, उसके बारे में भी थोड़ा मैं अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। बाकी तो डिटेलिंग हम पढ़ते ही रहते हैं। और इस लेक्चर की फ्री PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट लॉ रिक्वायरिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिमूवल फॉर जेंडर चेंज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया राइट नाउ इन द होल वर्ल्ड, कि ये किससे बात कर रहा है। ये बात हो रहा है LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिलीवर किया है, कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको रिमूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रिमूवल होता है दैट मीन्स कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये कौन सी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल लॉ किया है, मतलब रूल को रोल आउट किया है, तो वो है आपके ऑप्शन साउथ कोरिया, जापान, चाइना या इंडिया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान, ठीक है। जापान के सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर पास किया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव है ये LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए। प्लस अब मैं आपको बता दूं कि जापान के PM कौन है, जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं वन डे एग्जामिनेशन में, तो वो हैं फूमियो किशिदा जी। कौन? फूमियो किशिदा जी। और जापान की कैपिटल है टोक्यो। एक्सरसाइजेस जो इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो आपको पता होना चाहिए मलाबार। ये सिर्फ इंडिया और जापान के बीच में नहीं, बल्कि इसमें चार कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US, ठीक है। ये चारों कंट्रीज मिलकर मलाबार एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं। देन धर्मा गार्जियन, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड जापान के बीच, ठीक है, धर्मा गार्जियन, ओके। और एक और उसी तरह है, उसका नाम है GMEX, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम, EX फॉर एक्सरसाइज, ओके, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या रखी हूं मैं, ठीक है। ये वो पार्ट है जिससे हमारे UPSC को बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत लगाव है इसे। वो बहुत क्वेश्चन पूछता है कि हु इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हु इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में आए, तो Part 5 डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अलॉन्ग विथ अदर्स। कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डील करता है, तो वो है आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 124 आपको रटा होना चाहिए, बिकॉज आर्टिकल 124 बहुत पूछा जाता है हर ऑल्टरनेट ईयर में, ये UPSC में आता है, प्लस हर स्टेट सर्विसेज में ये एग्जाम में ये ज़रूर आर्टिकल आता है। देन ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि हु इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड द सेम फॉर गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट दोनों ऑप्शंस होते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगते हैं, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो गलत आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, Who has been awarded with highest scientific awards of USA? ठीक है, आपके ऑप्शन है अशोक गदगिल जी, ऑप्शन बी सुब्रा सुरेश, ऑप्शन सी बोथ A and B, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
तो जैसा कि आप इमेजेस देख रहे हैं, यहाँ पे दो पर्सनैलिटीज हैं, डैट मीन्स ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अशोक गदगल जी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो वो है नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा? नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन्स टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनको अवार्ड मिला है, इसलिए इनको दिया गया नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड सुब्रत सुरेश जी को अवार्ड मिला है नेशनल मेडल ऑफ साइंस, नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द ग्रीन टूरिज्म इंडिया कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड एट, और आपके ऑप्शंस हैं शिलोंग, गैंगटॉक, दिसपुर या फिर आइजवाल। सी, शिलोंग में 19 अक्टूबर को ग्रीन टूरिज्म इंडिया कॉन्क्लेव जो है ये कंडक्ट की गई थी इन पार्टनरशिप विथ मेघालय टूरिज्म, उड़ीसा टूरिज्म, अरुणाचल टूरिज्म एंड इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, इनकी पार्टनरशिप के तहत कौन कौन सा? मेघालय टूरिज्म, उड़ीसा टूरिज्म, अरुणाचल टूरिज्म एंड इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, और इसके चीफ गेस्ट कौन थे इस कॉन्क्लेव के? तो वो थे मेघालय टूरिज्म मिनिस्टर बा पॉल लिंद, LINGDOH, लिंगदो। ठीक है, तो मतलब मेघालय के जो टूरिज्म मिनिस्टर है वो इसके चीफ गेस्ट थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिलोंग, मीन्स मेघालय में ये ग्रीन टूरिज्म इंडिया कॉन्क्लेव जो है वो हेल्ड हुई थी। ठीक है, और ये इसका फोकस क्या था? इसका फोकस था ग्रीन एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे। किस पे? ग्रीन एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। सी, ग्रीन टूरिज्म आ रहा है डैट मीन्स कि ये सस्टेनेबल से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ग्रीन एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इसका फोकस एरिया था। और मेघालय के सीएम कौन है? तो वो है कॉनराड सैंगमा जी। कौन? कॉनराड, CONRAD, कॉनराड सैंगमा, SANGMA, ये यहाँ के मेघालय के सीएम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज वीमेन वेंट ऑन वन डे स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एन आरएनई ऑल्सो। ओके, दिस कंट्री ऑलवेज टॉप्स द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इट्स एन आरएनई ओनली दैट वीमेन ऑफ दिस कंट्री ओनली दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं, अगर आपको पता होगा कि वो कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप की है तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। चलिए एक बार ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, आइसलैंड, फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी है, आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। अगर नहीं भी पता चला है तो कोई बात नहीं, आप पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड लगातार 14 ईयर्स से इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी जो है, मतलब इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है, फिर भी वहाँ की जो विमेन है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और इसमें वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, आई मीन आइसलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है कैटरिन जैकॉब्स, कैटरिन जैकब्स डॉटर, जैकब्स डॉटर, ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। सी, जो फॉरेन नेम्स होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टंग ट्विस्टिंग होते हैं, जिस तरह फॉरेनर्स को हमारे नेम बहुत ज़्यादा टंग ट्विस्टिंग लगते होंगे। ठीक है, तो ये वहाँ के पीएम का नाम है, इन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड है कि एक तो ये आयरनी है, मतलब कि जो ऑलरेडी टॉप कर रही है कंट्री जेंडर इक्वालिटी में, वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, प्लस वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहां पे विमेन का साथ दी हैं।
ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा और रैंकिंग याद रखिएगा, प्लस कौन सी रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हु हैज एड्रेस्ड एन इंटरफेथ मीट एट राष्ट्रपति भवन, आपके ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। चले दोस्तों, आपको क्या लगता है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? इंटरफेथ मीट, ठीक है, मतलब डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, कि यहाँ पे बताया गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो, ठीक है। एट राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन मतलब यहाँ पे कौन रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इंटरफेथ मीट को एड्रेस किया है, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है इंडिया की, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वो है 15th नंबर की, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिवाइज करवा देती हूँ, जैसा कि मैंने हमेशा ये रिवाइज करवाया है आपको, जिससे क्वेश्चन आते हैं। पहला है आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 53 है। देन आर्टिकल 54 दैट डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, आर्टिकल 54 डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देन आर्टिकल 60, 60 मीन्स ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, एंड आर्टिकल 61 मीन्स इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। सी 60 का आप ओ समझो ये, और ओथ का ओ, जहां पे भी ये आए दैट मीन्स ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, और इम्पीचमेंट आर्टिकल कैसे याद करना है, एक यहाँ पे डंडा है एक यहाँ पे डंडा है, ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हो, तो 61 मीन्स इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको और बता दूं, कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आया, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इट्स प्रेसिडेंट एंड नॉट प्राइम मिनिस्टर, ओके। देन ही इज द फॉर्मल, और प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड। सी मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो थोड़ा प्रेसिडेंट करता है, मतलब मोस्टली वो मेल में जाएगा, बट यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल मैं बता रही हूँ, और इंग्लिश में जेंडर न्यूट्रल ही होता है, कि प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन हेड होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ऑफ इंडिया का, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो कमांडर इन चीफ भी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ कौन है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको नहीं प्रेसिडेंट का इतना आइडिया है, तो इस पॉइंट को जो मैं बोल रही हूँ इसको आप रिपीटेड मोड पे 2-3 बार सुन लो, तो आपको आर्टिकल्स जिस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो याद हो जाएंगे, और प्लस थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं प्रीलिम्स में, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। रिसेंटली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी NBS रेट्स फॉर ऑप्शन रबी, बी खारिफ, सी जैद, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो रिसेंटली जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट के चेयरपर्सन कौन होते हैं, या चेयरमैन कौन होते हैं, या फिर हम बोले तो हेड कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर हु इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, सो इट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर विच सीजन, ये पूछा है, तो ये किसके लिए हुआ है, ऑप्शन ए रबी सीजन क्रॉप्स के लिए, ठीक है, रबी सीजन क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स को जो है अप्रूवल मिला है फॉर फॉस्फेटिक एंड फर्टिलाइजर्स, फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम के जो है, ये केमिकल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं, पोटेशियम का होता है, ठीक है, के फॉर पोटेशियम एंड पी फॉर फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के लिए NBS रेट्स जो है फाइनल किया गया है फॉर रबी क्रॉप्स, ठीक है,
रबी में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रबी में आता है वीट, बार्ले, पल्सेस, मस्टर्ड। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो किया है तो मैंने रबी का जो है पूरा एक टेबल बना के आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि रबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, इनका सोइंग टाइम क्या होता है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, उसको रिटन फॉर्म में मैंने दिया है, अभी मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ, फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ कि इसको कब सो किया जाता है, मतलब कब उगाया जाता है। तो वो है मंथ अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर क्या है इसका सोइंग टाइम है। देन इसका हार्वेस्टिंग टाइम कौन सा है, तो वो है अप्रैल टू जून। ओके, अप्रैल टू जून इसको को हार्वेस्टिंग टाइम है, वहीं इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, और इसी वजह से आप देखो इसका जो सोइंग टाइम है वो है अक्टूबर टू दिसंबर, मीन्स विंटर सीजन, इसलिए इसको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और सब मैंने पीडीएफ अलग से बना के भी दी हुई है। ओके, बस एक रिवीजन था, अब आगे हम बढ़ते हैं। जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट टू बी इंक्लूडेड अंडर पीएम कृषि सिंचाई योजना एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन, और आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप 5 सेकंड में क्वेश्चन रीड करो और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या लगता है कि क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या होगा। सही, कमेंट करने से क्या होता है ना कि हमारी एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, क्योंकि जब हमारे पे प्रेशर आता है ना कि हमें करना है, तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, और कोई भी हम आंसर जब एक बार लिख देते हैं ना तो हमें याद हो जाता है। ठीक है, बचपन में आपने भी सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि लिख लिख कर याद करो, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा याद होता है लिख कर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ओके, और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है ये भी मैं बता दूं, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ठीक है, क्योंकि ये अब मतलब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि ये पीएम कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंडर काम मतलब इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट कौन सा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ठीक है, और इसका अप्रूवल किसने दिया है, तो वो दिया है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और जिसके कैबिनेट मींस इसके चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन है, तो वो होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो डैम है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है अक्रॉस गोला रिवर, और गोला रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर यूकेपीएससी, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, मेंस लिखा है आपने, तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि कौन से रिवर के अक्रॉस ये जो है जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो वो है रिवर गोला, जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर राम गंगा की। ठीक है, और CCEA हैज अप्रूव्ड सेंट्रल सपोर्ट ऑफ रुपीज 1,557.18 करोड़ फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2,584.10 करोड़ बाय मार्च 2028। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंप्लीट कब होगा, मींस इस प्रोजेक्ट का काम कब कंप्लीट होगा, तो वो होगा बाय मार्च 2028। ठीक है, ये जरूर ईयर आप जरूर याद रखना। ठीक है, कि 2028 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2028 के मार्च तक। ठीक है, चलिए, और अब यहाँ पे हो रहा है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीएम का भी नाम पूछा जाता है, तो है पुष्कर सिंह धामी जी। कौन? पुष्कर सिंह धामी जी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं इस स्कीम के बारे में। सी, जो भी चीज़ें होती हैं ना, अगर सेंट्रल स्कीम है तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ना है। इसलिए मैं जो भी स्कीम्स आती हैं न्यूज़ में सेंट्रल की, उसको मैं आपको पूरा रिटर्न फॉर्म में पढ़ाते हुए चलती हूँ, ताकि आपको पूरा एक नोट्स मिल जाए शॉर्ट फॉर्म में, जिसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो पहले कि इसको लॉन्च कब किया गया था, इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर 2015 to 16। एंड वॉट वॉज इट्स एम? इट्स एम वॉज टू इन्हेंस फिजिकल एसेस ऑफ वाटर ऑन फार्म एंड एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरीगेशन। ठीक है, मतलब कि एक तरफ से देखो तो ये इरीगेशन के लिए ही इसका मेन एम है, कि इरीगेशन को और अच्छे से बनाना। ठीक है, जो कल्टिवेबल एरिया है उसको और एक्सपेंड करना, फार्म में पानी ले आना। ठीक है, इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये इसका एम है। देन इसका बजट कितना था, तो वो था ₹93,068.56 करोड़। ठीक है, ये इसका बजट है। व्हाट इज AIBP? सो इट्स फुल फॉर्म इज एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। ये PMKSY मींस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट है, फॉर क्रिएशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल थ्रू मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, सो फार 53 प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड अंडर दिस स्कीम। सिक्स प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड आफ्टर AIBP कंपोनेंट्स ऑफ PMKSY 2.0 सिंस 2021-22। मींस इसका सेकेंड फेज कब स्टार्ट हुआ था, तो वो था 2021-22। ठीक है, ये इसका फर्स्ट फेज है, अगर हम बोले इसको लॉन्च ही किया गया था इस ईयर में। देन इसका सेकेंड फेज है 2021-22। ये भी फेज भी याद करना चाहिए, क्योंकि इसका ईयर पूछा जाता है फेज वन, फेज टू, फेज थ्री का। ठीक है, जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज सेवेंथ प्रोजेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेवेंथ प्रोजेक्ट है ये। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हु विल एड्रेस नेशनल सिंपोजियम ऑन प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड एंड ट्रेडिशनल सीड्स थ्रू कोऑपरेटिव सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और BBSSL? आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, परशोत्तम रूपाला, नरेंद्र सिंह तोमर, नन ऑफ द अबव। पहले तो मैं आपको एक्स्ट्रा 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप खुद ये पहले क्वेश्चन ही रीड कर लो, देन 5 सेकेंड आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया है 5 सेकेंड्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए, आपको क्या लगता है क्या होगा। जिनका सही होगा उनके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, और जिनका गलत होगा सो कोई बात नहीं, अब आपको आंसर सही पता चलेगा। सो बी मोटिवेटेड, ओके, बी पॉजिटिव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमित शाह जी। ठीक है, और ये कब होगा, तो ये होगा 26 अक्टूबर को। ठीक है, मींस आज, कहाँ पे, न्यू दिल्ली। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, लोकेशन न्यू दिल्ली। ओके, और इसके बारे में अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या डिस्कस किया जाएगा। ये जो नेशनल सिंपोजियम ऑन प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड एंड ट्रेडिशनल सीड्स, सीड्स से रिलेटेड है ये सिंपोजियम थ्रू कोऑपरेटिव सेक्टर, तो यहाँ पे डिस्कस क्या किया जाएगा वो भी हम पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सीड प्रोडक्शन थ्रू PACS एंड रोल ऑफ सीड्स इन प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ क्रॉप्स अलॉन्ग विथ रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन अपलिफ्टमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, मतलब अगर हम बोले तो यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा वहाँ पे, कि वो सीड को कैसे प्रोड्यूस करना है, उसका प्रोडक्शन क्या है, उसका रोल क्या है। जब उनको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, वो इस फील्ड में एक्टिव हो जाएंगे, तो उनका अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है, और कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज ऑर्गेनाइजिंग अ कंट्री लेड इनिशिएटिव
इवेंट एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी, यूनाइटेड नेशंस से जो भी रिलेटेड बॉडी होती है, जो भी होता है, वो मैं आपको अलग से एक स्लाइड फिर से पढ़ाती हूँ ताकि आपके पास वो नोट्स हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं. फ्रॉम 26 to 28 October 2023 एट द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन, ठीक है. तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको पता है कि कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसको इसका आंसर पता होगा. अदरवाइज अभी आपको पता चल जाएगा. आपके ऑप्शन है मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड. चलिए पहले मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, क्वेश्चन फिर से आप रीड कर लीजिए, क्योंकि आज की जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी हैं, ठीक है. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड, ठीक है. कहाँ पे है ये हो रहा, मतलब 26 to 28 अक्टूबर को होगा ना, आज से शुरू हो रहा है. कहाँ पे? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में. सी, ये जो बॉडीज होती है ना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं. सपोज FRI कहाँ पे है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, सो इट्स उत्तराखंड. ओके, उसी तरह आ जाता है CDRI कहाँ पे लोकेटेड है, सो इट्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, स्पेशली लखनऊ, ठीक है. उसी तरह आ जाता है CMAP कहाँ पे है, सो इट्स ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ. NBRI कहाँ पे है, NBRI ये भी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है. ऐसे ही है ITRC, ये सारे जो हैं लैब्स, CDRI, CMAP, NBRI, ITRC, ये सारी CSIR की लैब्स हैं, ठीक है. और ये सारी जो हैं उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. और स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो कौन से सिटी में है, तो इट्स कैपिटल लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में सिचुएटेड है. चले अब हम पढ़ते हैं UNFF के बारे में, मींस यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में. सो इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका फॉर्मेशन या एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाएगा, तो वो है 2000. और किसने किया था? बाई UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ओके, इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाई UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडिया वॉज इट्स फाउंडिंग मेम्बर, ठीक है. इंडिया वॉज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेम्बर. देन UN जनरल असेंबली अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2017 to 2030, ठीक है. ये आप याद कर लो, डायरेक्ट बोल रही हूँ, याद कर लो. इट प्रमोट्स द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. सी, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, और सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पे फॉरेस्ट्स है, मींस प्लूरल फॉर्म है. प्लूरल मींस सारे टाइप के फॉरेस्ट से रिलेटेड है. तो ठीक है, उसके मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें UNFF जो है वो देखेगा, उसको प्रमोट करेगा इनफैक्ट, और कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंजर्व करना है, और उसका कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है. और लास्ट है, इंडिया इज इट्स फाउंडिंग मेंबर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया था, ठीक है. तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू UNFF, ठीक है. ये आपको जो मैं PDF प्रोवाइड करती हूँ उसमें ऑलरेडी रहेगा, तो आप परेशान मत हो, आपके पास सारे नोट्स आ जाएंगे. और जैसे जैसे और भी बॉडीज यूनाइटेड नेशंस की या सेंट्रल स्कीम्स जो हैं वो इकट्ठी होती जाएंगी, मैं आपको एक अलग, एक तरफ से हम बोल सकते हैं कंपार्टमेंट फॉर्म में, आपको सारी चीज़ें अलग से PDF बना के दूंगी, ठीक है, ताकि आपको एक जगह सारी स्कीम्स मिल जाएँ, एक साइड सारे UN बॉडीज से रिलेटेड सारी मतलब डिटेलिंग मिल जाए. नेक्स्ट है हमारा, Which country's president has recently said that Hamas is not a terrorist group? Turkey, China, USA, Russia. तो आप इमेज देख रहे होंगे, ये है तैयब एर्डोगन जी, दैट मीन्स कि कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो वह है प्रेसिडेंट टर्की के. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टर्की. चलिए अब हम फैक्ट्स के थ्रू करंट अफेयर्स को देखते हैं. इसमें सबसे पहला है, 20 लाख बिहार स्टूडेंट्स हैव नेम्स
स्ट्रक ऑफ स्कूल रोल्स फॉर रिमेनिंग एबसेंट एंड 1.5 लाख स्टूडेंट्स टू मिस बोर्ड एग्जाम्स, मीन्स जो बच्चे तक बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है कि 20 लाख जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो एबसेंट होने की वजह से उनका जो नाम है वो कट गया है स्कूल के रजिस्टर से, ठीक है, और जिसकी वजह से 1.5 लाख, तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उनकी चांसेस हैं कि वो अपना बोर्ड एग्जाम मिस कर देंगे, ठीक है। 20 लाख मतलब पूरा, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक 10th और 12th की ही बात हो रही है, पूरे A to Z मतलब क्लास 1 to 12th के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और जिनमें से जो 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए हैं और चांसेस ऐसा है कि वो मिस कर देंगे, ठीक है। अभी आपको बिहार के बारे में एक न्यूज भी आई हुई थी कि बिहार ने जो है बोला है कि जो NAC है, ठीक है, जो कि कॉलेजेस को रेटिंग देती है A+, A+, B+, B ऐसी रेटिंग देती है, तो बोले कि अब वो NAC को नहीं बल्कि वो खुद जो है कॉलेजेस की जो रेटिंग है उसको मतलब देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस की रैंकिंग को कंडक्ट करेंगे, ठीक है, कि कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज है बिहार का, ठीक है, ये बिहार गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। और बिहार के CM कौन है, तो है नीतीश कुमार जी। अभी रिसेंटली बिहार की और न्यूज़ में आपको रिवाइज करवा दूं कि बिहार गवर्नमेंट ने जुडिशियल सर्विसेज में EWS को 10% रिजर्वेशन देने के अनाउंसमेंट किया है, किसको, EWS को, ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज में। और बिहार गवर्नमेंट ने ये भी कास्ट सर्वे जो है उसको कंडक्ट किया था, ठीक है, उसका रिजल्ट भी उन्होंने रिलीज कर दिया। प्लस इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको कि कुमार गुप्त ने बनवाया था, वो बिहार में लोकेटेड है और इसको डिस्ट्रॉय किया था किसने, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, इसको बनाया था कुमार गुप्त ने, डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, 1 week ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज हेल्ड फॉर द पैरामिलिट्री पर्सनल ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज डिप्लॉयड फॉर इलेक्शन ड्यूटीज इन छत्तीसगढ़। सी, ये ऐसा क्यों किया गया, मतलब कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों रखा गया, टू टैकल द टैक्टिक्स ऑफ माओइस्ट, जो ये माओइस्ट होते हैं ना, ठीक है, आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा, छत्तीसगढ़ तो बहुत ज़्यादा अनसेफ एरिया है इस चीज़ के लिए, ठीक है, वो बहुत अटैक करते हैं, तो इसलिए CAPF जो है इनकी ट्रेनिंग की गई ताकि जो भी माओस्ट के जो भी टैक्टिक्स होती हैं उनसे ये अच्छे से टैकल कर सके, डील कर सके, ताकि सेफली इलेक्शंस जो हैं छत्तीसगढ़ में वो कंडक्ट किए जा सकें। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 5 स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं इस साल, एक तो है खुद छत्तीसगढ़, देन मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एंड मिजोरम, ठीक है, कौन कौन से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एंड मिजोरम, ठीक है, यहाँ पे इस बार इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं। और कौन सी डेट को होने हैं ये भी बता देती हूँ, November 7 to November 30, मतलब 7 से 30 नवंबर के बीच में इन 5 स्टेट में इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस जो है वो पीसफुली हो जाएं, इसलिए ये सर्विसेज मतलब जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। PM मोदी टू इनॉग्रेट इंडिया मोबाइल कांग्रेस ऑन October 27, ठीक है, ये वन डे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है उसको किसने इनॉग्रेट किया, तो वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। देन सेंटर सर्व्स टैक्स नोटिसेस वर्थ ₹1 trillion टू ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज फॉर टैक्स इवेशन, ओके, मतलब कि सेंटर ने क्या किया है कि टैक्स नोटिस प्रोवाइड की है गेमिंग कंपनीज को, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उनके लिए, कितने की, 1 trillion की, 1 trillion रुपए, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ये, क्यों, क्योंकि वो टैक्स इवेजन कर रहे थे, टैक्स इवेट कर रहे थे, मीन्स टैक्स दे नहीं रहे थे, भर ही नहीं रहे थे टैक्स, वो भाग रहे थे टैक्स भरने से, ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, तो इसलिए सेंटर ने उनको टैक्स नोटिस भेज दी है 1 trillion रुपीज़ की, ठीक है। और अगर हम देखें तो क्या है कि इस साल अगस्त में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज होती हैं या जो ये प्लेटफॉर्म होते हैं
उन लोगों को कितना टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, तो वो है 28% जीएसटी। कितना जीएसटी है? 28%। ठीक है, ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो लोग कितना गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो वो है 28% जीएसटी। ठीक है, देन चाइना विल कैप इट्स क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी एट 1 बिलियन मेट्रिक टन्स बाई 2025 टू स्ट्रीम लाइन इट्स वास्ट ऑयल प्रोसेसिंग सेक्टर एंड कैप कार्बन एमिशंस। ठीक है, मीन्स चाइना जो है वो अपना जो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको कैप कर देगा 1 बिलियन मेट्रिक टन्स पे 2025 तक। ठीक है, ये याद रखेगा, 2025 तक या 2025 तक, ताकि वो जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कैप कर सके, उनको कंट्रोल कर सके। ठीक है, और चाइना जो है वो वर्ल्ड का टॉप क्रूड ऑयल बायर है। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड का टॉप क्रूड ऑयल बायर है। ओके, देन द ऑल इंडिया नौ सैनिक कैंप 2023 हैज बीन कंप्लीटेड एट नेवल बेस INS शिवाजी लोनावला। ठीक है, जो बच्चे CDS और NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, प्लस SSC में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उनके लिए भी है कि ऑल इंडिया नौ सैनिक कैंप जो है वो अभी कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो वह हुआ है लोनावला के शिवाजी नेवल बेस पर। ठीक है, द फोर्थ एडिशन ऑफ गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव 2023 इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 29 टू 31 अक्टूबर 2023 बाई इंडियन नेवी अंडर द एजिस ऑफ नेवल वॉर कॉलेज गोवा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फोर्थ एडिशन ऑफ गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए गोवा में हो रहा है, गोवा नाम है तो गोवा में ही हो रहा है। ठीक है, और इसको कंडक्ट कौन कर रहा है? तो वो है इंडियन नेवी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैरिटाइम है तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि ये इंडियन नेवी ही होगी, और गोवा है तो स्टेट कोई और बताने की जरूरत ही नहीं, गोवा ही है। द कर्टन रेजर ऑफ विमर्स 2023 अ नेशनल हैकाथॉन ऑन 5G टेक्नोलॉजी यूज फॉर पुलिस वॉज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली। सी, विमर्स क्या है? ये एक नेशनल हैकाथॉन है 5G टेक्नोलॉजी पे पुलिस वालों के लिए। ठीक है, पुलिस के यूज के लिए है, और ये कहाँ पे हुआ ये नेशनल हैकाथॉन? ये कंडक्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, और इसकी साइट भी है, ये देखो ये है इसकी वेबसाइट, इसको भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट्स रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर हॉस्पिटल इन नजफगढ़ दिल्ली। सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर जो है, ठीक है, ये कहाँ पे अभी इनॉग्रेट किया गया है? तो वो है नजफगढ़ दिल्ली में। ठीक है, कहाँ? नजफगढ़ दिल्ली में, और किसने किया है? तो वो है डॉक्टर मनसुख मांडविया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री धर्मेंद्र प्रधान अलॉन्ग विद श्री मनोहर लाल खट्टर डेडिकेटेड 124 PM श्री स्कूल्स टू हरियाणा। ठीक है, 124 PM श्री स्कूल्स जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर हरियाणा को डेडिकेट किए हैं, और यहाँ पे ICT लैब्स एंड स्मार्ट क्लासरूम्स भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, क्या होगा? ICT लैब्स होंगे और स्मार्ट क्लासरूम्स भी होंगे। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हूँ, तो ये है वो लिंक। ठीक है, सॉरी, ये है वो लिंक, इस लिंक पे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।